मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, मैं एक नाइट मैनेजर हूँ। तो आ गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द नाइट मैनेजर, एक ऐसी हिंदी एडाप्टेशन जिससे उम्मीदें तो काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या वो उन्हें पूरा कर पाई या नहीं, वेल लेट्स फाइंड आउट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक अडैप्टेशन है और ये अडैप्टेशन है एक ब्रिटिश नॉवल द नाइट मैनेजर की, जिसे द फादर ऑफ एस्पियोनेज नॉवेल्स जॉन ले कैरे ने लिखा था। इसका 2016 में ब्रिटिश अडैप्टेशन बना था, यानी कि एक ड्रामा सीरीज बनी थी जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और काफी सारे बढ़िया अवार्ड यानी कि एमी और गोल्डन ग्लोब तक मिले थे। तो अब इसका हिंदी अडैप्टेशन बनाया गया है और इसे बनाया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने, जिसे डायरेक्ट किया है संदीप मोदी और प्रियंका घोष ने और स्क्रीन प्ले लिखा है श्रीधर राघवन ने, जिन्होंने वॉर और पठान जैसी स्पाई फिल्म्स को भी लिखा था। मैं बताऊंगी मैं स्क्रीन प्ले की बात यहाँ पे स्पेशली क्यों कर रही हूँ। प्राइमरी रोल्स में इस सीरीज में है आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धुलिपारा, तिलोत्तमा शोम और शाश्वत चैटर्जी। कहानी की अगर बात करूं तो ये एक नाइट मैनेजर शान सेन गुप्ता की स्टोरी है, जिसे प्ले किया है आदित्य रॉय कपूर ने। ये एक होटल में नाइट मैनेजर है जो ढाका में है। इसका मिलिट्री का भी बैकग्राउंड है, जिसकी एक अपनी ही मिस्टीरियस कहानी होती है जो अभी तक नहीं पता। उसे पता चलता है कि उसके होटल में एक यंग गेस्ट आई है जो कि बंदी की तरह यहाँ पर लाई गई है, लेकिन वो एक काफी बड़े आदमी की बीवी है जो कि डील करता है डेंजरस आर्म्स डीलर शैलेंद्र रुमता से, यानी कि अनिल कपूर से। ये आर्म्स डीलर कहने के लिए तो शिपमेंट बिजनेस में है, लेकिन इलीगल वेपन्स को सप्लाई करता है। इसके पीछे रॉ और सभी बड़े लोग लगे हुए हैं। अब आगे शान सेन गुप्ता इस लड़की को कैसे बचाता है, बचा पाता है या नहीं बचा पाता, शैलेंद्र शान का क्या हाल करता है, शान शैलेंद्र के सर्कल में अंडरकवर घुस पाता है या नहीं घुस पाता, ये सब सवालों के जवाब आपको इस सीरीज को देखने पर मिलेंगे। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात की पहले बात कर लेती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है द नाइट मैनेजर की, और वो ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसके अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड्स ही रिलीज किए हैं, जिससे आपको डेफिनेटली इरिटेशन होने वाली है, क्योंकि फोर्थ एपिसोड में इतना कुछ हो रहा होता है, थर्ड एंड फोर्थ में इनफैक्ट, कि आपका मन करता है कि आप आगे जल्दी से देखो, लेकिन वो 4 एपिसोड्स अभी रिलीज नहीं किए गए हैं और वो सिर्फ अगले एक दो दिन के अंदर नहीं, ना ही अगले हफ्ते, बल्कि जून 2023 में रिलीज किए जाने वाले हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट द नाइट मैनेजर का है, वो है इसका स्लो ट्रीटमेंट। फर्स्ट एपिसोड में बांग्लादेश म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से एज अ बैकड्रॉप यूज किया गया, जिससे आपका इंटरेस्ट भी पूरी तरह से बनता है, लेकिन सेकेंड एपिसोड से सीरीज की स्पीड थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि एंगेजिंग है और आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले कमाल का लिखा है और वो लिखा है श्रीधर राघवन ने। बाकी अगर कास्टिंग की बात करूं, कास्टिंग बहुत ही कन्विंसिंग है। आदित्य रॉय कपूर इज लुकिंग परफेक्ट फॉर अ नाइट मैनेजर्स रोल। भाई अनिल कपूर को आप कोई भी रोल दे दो यार, वो शाइन कर ही लेते हैं। तीन लोगों ने इस सीरीज में अलग तरह से ही शाइन किया, बिल्कुल बाहर निकल कर आए हैं, और वो है तिलोत्तमा शोम, शोभिता धुलिपाला और शाश्वत चैटर्जी। 4 एपिसोड्स में जितने भी सीन्स इन तीनों को मिले हैं ना, दे स्टोल द शो। जैसे कि कुछ सीन्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे, उसमें एक सीन था जिसमें तिलोत्तमा अपने नाइट मैनेजर से फिश मार्केट में बात करने जाती है और किस तरह से बात करती है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है। देन प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो दूरबीन यानी कि बायनोक्यूलर्स के साथ भागती हुई दिखती है, वो सीन भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है। सिनेमाटोग्राफी इसकी बहुत ही बढ़िया है, कुछ फ्रेम्स तो काफी डिटेलिंग में बनाए गए हैं जिन्हें देखकर आपको बढ़िया से मजा आता है। बाकी अभी तक का साउंड ट्रैक और बीजीएम की अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्टफुल लगता है और वो सुनने में भी आपको अच्छा लगता है। प्रोडक्शन वैल्यू द नाइट मैनेजर की काफी अच्छी रखी गई है और इसे काफी इंटरनेशनल फील देने की कोशिश की गई है, विच डेफिनेटली वर्क्स इन इट्स फेवर। बाकी 4 एपिसोड्स की अगर मैं अभी तक बात करूं जो रिलीज हुए हैं, इट्स लुकिंग लाइक अ ग्रेट अडैप्टेशन अभी तक, बट आगे का वेट करते हैं, देखते हैं जून में जो बाकी 4 एपिसोड्स आने हैं वो इस स्टोरी को किस तरह से अनफोल्ड करते हैं। अभी के लिए मैं दे रही हूँ द नाइट मैनेजर के फर्स्ट 4 एपिसोड्स को 3.5 out of 5 स्टार्स। आप भी देख लो और फिर मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। मैंने ब्रिटिश सीरीज इसकी नहीं देखी थी जो 2016 में आई थी, इसलिए मैं उसे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाई हूँ गाइस, लेकिन अगर आपने देखी है तो आपको ये वाली सीरीज भी जरूर देखनी चाहिए। अभी के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, विच आई एम श्योर आया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, सबके साथ शेयर भी जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।